hello children hari how are you all i hope you all are fine and safe at your home so do you know children what we are going to do today today we are going to do the exercise of chapter number 1 that is about me in the last video we did the explanation of chapter number 1 right so today we are going to do the exercise for that what you need you need your evs textbook pencil and, and eraser so i hope you all are ready with your evs textbook now what you have to do first you have to open page number 4 that is exercise page okay and page number 4 you can see it on my screen also okay so let's start with the first there is a homework for you that is let's do it now, first read the instruction. What you have to do in that? Compare yourself with your best friend. Complete the table below to find out how similar or different you are. What you have to do? You have to write about yourself and about your friend. Okay. And after that, you have to compare yourself with your friend. Okay. That you are similar with your friend or you are different from each other okay so which thing you have to write in that there is name age height favorite color favorite food favorite game and favorite story book so this is homework for you because i don't know about your friend so you need to write that okay now below that there is a exercise so let's start with the exercise that is write yes or no so number 1 the size of our shoes चेंजिस एज वी ग्रो ऑर्डर ओके सो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे शू की साइज़ सेम रहती है क्या कभी नो no. जब हम बेबी होते हैं एट दैट टाइम आवर शू साइज़ आर वेरी स्मॉल एंड वेरी टाइनी बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे शू की साइज़ भी बड़ी होती है ना सो द आंसर इज़ येस नंबर टू ऑल ऑफर्स हैव वाइट हैर वेन वी आर बेबीज आप जब बेबीज थे तब बेबी थे तब आपके हेयर वाइट थे नो व्हेन वी बोर्न एट दैट टाइम अवर हेयर कलर इज ब्लैक ओके सो द आंसर इज नो नाउ नंबर थ्री वी बिकम टीनेजर्स व्हेन वी आर ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड यस और नो आपको ये याद है मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि आपको ये याद रखना है कि कौन सी एज पे हम टीनेजर कहलाते हैं और कौन सी एज पे हम कहलाते हैं। सो लेट मी रिवाइज यू इन द क्वेश्चन वी बिकम टीनेजर्स वेन वी आर ट्वेंटी वन इयर्स ओल्ड बट दैट इज रॉंग हम टीनेजर्स कब कैलाते एट द एज ऑफ थर्टीन एट दैट टाइम वी बिकम टीनेजर्स एट द एज ऑफ थर्टीन वी बिकम्स टीनेजर सो द आंसर इज नो नाव नंबर फोर एज वी ग्रो ऑल्डर अवर क्लोथ्स बिकम स्मॉलर इन साइज येस और नो ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि जब हम बेबी थे तब हमारे क्लोथ्स थे वो अभी आप सेकेंड में आ गए तो आपको फिट होते नो no. तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हमारे क्लोथ के साइज़ भी चेंज होते जाते सो द आंसर इज यस नाव नंबर फाइव वी बिकम एडल्ट्स वैन वी आर ट्वेल्व आपको याद है एडल्ट कब कहलाते हैं हम सो लेट मी रिवाइज यू एट द एज ऑफ एटीन वी बिकम एडल्ट एंड इन द क्वेस्ट वॉट दे गिवर्स वी बिकम एडल्ट वैन वी आर ट्वेल्व सो दैट इज रोंग सो वी हैव टू राइट नो नाव नाव शिफ्ट टू द पेज नंबर फाइव यू हैव टू ओपन पेज नंबर फाइव आई होप यू कैन सी पेज नंबर फाइव ऑन माई स्क्रीन सो देर इज अ ब्लैंक्स एंड बिलो दैट देर इज अ टिक और ऑर क्रॉस मार्क ओके वो वाला क्वेश्चन है सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फीलिंग द ब्लैंक्स नंबर वन वी आर ऑल डैश फ्रॉम ईच अदर हम एक दूसरे से क्या होते हैं आपको याद है लास्ट में लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था वी आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर वी आर वी ऑल आर नॉट सेम वी ऑल हैव डिफरेंट टेस्ट वी ऑल हैव डिफरेंट बॉडी कलर्स वी ऑल हैव डिफरेंट स्किल्स सो वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सो द स्पेलिंग ऑफ डिफरेंट इज डी आई डबल एफ ई आर ई एंड टी लेट मी रिपीट डी आई डबल एफ ई आर ई एंड टी डिफरेंट नाव नंबर टू वी आर बॉर्न एज हम बॉर्न होते तब क्या होते बेबीज सो द आंसर इज बेबीज सो स्पेलिंग ऑफ बेबीज इज बी ए बी आई ई एस लेट मी रिपीट वंस अगेन बी ए बी आई ई एस बेबीज

सो द आंसर इज ऑल्डर एंड ऑल्डर का स्पेलिंग है ओ एल डी ई आर स्पेलिंग इज ओ एल डी ई आर ऑल्डर नाउ नंबर फोर वी बिकम डैश वैन वी आर एटीन ईयर्स ओल्ड एटीन ईयर्स की एज पे हम क्या कहलाते हैं एडल्ट सो द स्पेलिंग ऑफ एडल्ट इज ए डी यू एल टी एस क्या है स्पेलिंग A D U L T S, adults. Now, number five, we dash new things as we grow older. Okay, we dash new things as we grow older. मतलब जैसे-जैसे हम बड़े होते, तब हम new thing क्या करते? Learn करते, करते ना? Yes or no? Yes. So the answer is learn. We learn new things.

द वस दैट आर फॉल्स और क्रॉस करना है जो आपके लिए गलत है तो मुझे तो आप सबके बारे में सब कुछ नहीं पता सो दिस इ दिस थिंग यू हैव टू डू सो दैट इज़ अ होमवर्क फॉर यू ओके बट लेट मी रीड द सेंटेंसेज फॉर यू नंबर वन आई एम नोटी एट टाइम्स मैं कभी कभी नोटी होता हूँ अगर येस देन राइट इफ नो देन रॉन्ग नंबर टू आई हैव अ फ्यू मिल्क टीथ आप आपके आप, आपके माउथ में मिल्क टीथ है अगर है तो राइट अगर नहीं है तो रॉन्ग नंबर थ्री आई डू नॉट हैव अक नेम आपका निक नेम है अगर आपका निक नेम नहीं है ना तो आपको करना है राइट और अगर आपका निक नेम है देन यू तो हैव टू डू क्रॉस मार्क ओके निक नेम का मीनिंग पता है आप, आपका रियल नेम होता है उससे डिफरेंट आपके घर पे कोई आपको दूसरे नेम से बुलाते हैं ना तो उनको निक नेम बोलते ओके नंबर फोर आई लाइक टू प्ले विथ फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक देन डू द राइट इफ़ यू डोंट लाइक देन क्रॉस मार्क बट मुझे नहीं लगता कि किसी को प्ले कर फ्रेंड के साथ प्ले करना पसंद नहीं होगा नाव नंबर फाइव आई फील सैड वेन मधर गेट्स एंग्री जब मम्मा गुस्सा करती है तो आपको बुरा लगता है अगर आपको बुरा लगता है आपको सैड फील होता है देन यू हैव टू डू राइट टिक मार्क ओके अगर नहीं लगता है देन डू द क्रॉस मार्क नाउ नंबर सिक्स आई लव टू गेट वेट इन द रेन वेट मतलब गीला होना और रेन में आप बारिश में आपको पसंद भीगना पसंद है अगर है देन डू द राइट एंड अगर नहीं है देन डू द क्रॉस मार्क नाव नंबर सेवन आई एन्जॉय प्लेइंग विथ क्लेज ओके आपको क्ले के साथ प्ले करना पसंद है ना ये तो मुझे पता है आप सबको पसंद है क्योंकि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी क्ले के साथ प्ले करते थे सो so, आपको अगर पसंद है सो यू हैव टू डू राइट मार्क और अगर नहीं पसंद है देन यू हैव टू डू क्रॉस मार्क सो दिस इज फॉर टुडे एंड वी आर डन विद द चैप्टर नंबर वन एंड विद द एक्सरसाइज ऑल्सो सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर